जैसा कि आप देख सकते हैं गाड़ी का ऑलमोस्ट ऑल फिट हो गया, इंजन संभल हो गया। अभी गाड़ी में ऑयल डाले जाएगा, ऑयल डाल दो बेटा। इंजन ऑयल एकदम 1 लीटर, जब भी इंजन डाउन होता 1 लीटर पूरा ऑयल डालना पड़ता, जब भी गाड़ी सर्विसिंग हो आती तब 900 ml डालना पड़ता, बिकॉज 100 ml इंजन में रह के रहता पूरा बाहर नहीं आता सर्विसिंग के टाइम। अभी इंजन पूरा ओपन करे अपन, पार्ट टू पार्ट क्लीन करे, मीन अंदर थोड़ा भी ऑयल नहीं है अभी, इसलिए 100% 1 लीटर डालना पड़ता। जैसा कि अभी 1 लीटर ऑयल डाल रहे, तो ये गाड़ी आई गियर पर्पस, मीन गियर ड्रम बजाने से गियर्स अटक रहे थे, अभी देखेंगे गाड़ी के अंदर गियर्स कैसे पड़ते और मैं अभी गियर डाल के देखूँगा। जरा पहिया घुमा, जैसा ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल में रहे तो एकदम व्हील मूव होता फ्री। नौ ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ओके नेक्स्ट बैक, थर्ड गियर, सेकंड गियर, फर्स्ट गियर, नाउ न्यूट्रल। तो इस तरीके से गिरना पड़ते। अब कार्बोरेटर बोर हेड पूरा असेंबल हो गया, अभी ऑयल डाले गया, तो अभी गाड़ी को स्टार्ट करके देखेंगे। तो गाड़ी का इग्निशन मैं ऑन कर दे रहा हूँ। पेट्रोल आना है इसका, पेट्रोल का कच्चा है, ओके। तो अभी जाना गाड़ी को सेल्फ मारेंगे पहले, बट 1 सेल्फ में स्टार्ट हुआ गाड़ी, आप देख सकते हैं आपके सामने गाड़ी स्टार्ट हुआ 1 सेल्फ में। और गाड़ी का थोड़ा RPM बढ़ाएंगे, स्क्रू ड्राइवर ना माँ थोड़ा RPM बढ़ा रहे, ये देखिए आप। अब इंजन में कुछ साउंड नहीं है, रेज हो रहा, तो आप देख सकते हैं गाड़ी का गियर का काम हो रहा, आई मीन हो गया। अभी थोड़ा ट्यूनिंग करूंगा गाड़ी को, ट्यूनिंग कैसा करते हैं आप देखो। जैसा कि RPM पहले यस वन सेकेंड फाड़ के दो, कपड़ा फाड़ के दो। जैसा कि कार्बोरेटर ट्यूनअप करने का तरीका आपको बता रहा हूँ, RPM बढ़ा लेना, बस ए पोजीशन पे लगा लेना, इंजन को गर्म कर लेना अच्छी तरीके से, ज़रा इंजन थोड़ा अच्छे तरीके से गर्म होने तक देख लेना। अब देख सकते हैं यहाँ हेड गर्म हो गया, मैनिफोल्ड ठंडा है, बिकॉज यहाँ से फ्यूल इंसर्ट जा रहा, फ्यूल एकदम ठंडा रहता, उस वजह से मैनिफोल्ड कभी भी ठंडा रहता। और यहाँ देखें तो गर्म है, यहाँ टेम्परेचर को ये आती, यहाँ टेम्परेचर को ये टेम्परेचर फ़र्क है, मीन एकदम चिल्ड हो रहा है, इधर ठंडा है, तो यही तरीके से फ्यूल इंसर्ट इंजेक्ट हो रहा, मीन जा रहा। और यहाँ फायर होने के वजह से हेड गर्म है, आप देख सकते हैं ये सिस्टम है। और जब भी ट्यूनिंग करने का तरीका जैसा कि मैं कह रहा, RPM बढ़ा के रखा, ये एयर स्क्रू है, एयर स्क्रू मीन एयर इनसाइड कितना सप्लाई करना है, इक्वल सप्लाई करना है, जैसे कि फ्यूल एंड एयर इक्वल सप्लाई होना, कभी एयर ज़्यादा चले जाता फ्यूल कम होता, कभी फ्यूल ज़्यादा जाता एयर कम होता, तो दोनों को मिक्सर करना, मीन दोनों की इक्वल सप्लाई करना। जैसा कि RPM बढ़ाए बाद आप फिर एयर स्क्रू रिटर्न टू बैक टाइट कर लीजिए, ये टाइट हो रहा, टाइट हो रहा, तो देखो आप एयर सप्लाई कम हो रहा, फ्यूल ज़्यादा जा रहा, इसलिए
मिस फायर हो रहा, मीन एयर कम रहने के वजह से अंदर फायर साइन हो रहा। तो जब भी आप देखे होंगे एयर बहुत कम जाने के वजह से फ्यूल वो प्लेस ले लिया, उसकी जगह ले लिया, और अब ये ना रिच फ्यूल मिक्सर हो रहा अंदर। तो रिच फ्यूल मिक्सर हुआ तो एकदम मैनिफोल्ड गर्म होता, अब देखो यहाँ का सेक्शन गर्म हो रहा। तो दैट टाइम अपन रिटर्न टू बैक एयर सप्लाई इनसाइड छोड़ना, जैसा कि एयर स्क्रू खोलते हुए। अब मैं एयर स्क्रू खोल रहा हूँ, इसका आरपीएम बढ़ रहा आप देख सकते हैं, और मैं खोल रूम बढ़ रहा, और फायरिंग भी कंटिन्यूटी रहना, कभी मिस फायर का फायरिंग नहीं होना, आरपीएम बढ़ते हुए फायरिंग में भी ऑब्जर्व करना जैसा कि मैं कर रहा हूँ। और मैं एयर शो खोला, जैसा कि अब देखो आप फायरिंग मिस फायर हो रहा, मीन क्या हुआ, अभी एयर एक्सेस चला गया, फ्यूल कम हो गया। तो बिटवीन दोनों के बीच में ट्यूनिंग रहना, जैसा कि फिर मैं जाना एयर को अंदर भिजाना कम कर दे रहा हूँ। अब ये पोजीशन पे फायरिंग परफेक्ट आ रहा, यस यहाँ फायरिंग एकदम अच्छा आ रहा। फिर टाइट करे तो मिस फायर हो रहा, मीन दोनों के बीच में यहाँ होल्ड कर दे रहा हूँ। अब ऐसा है फ्यूल इक्वल सप्लाई हो रहा और एयर इक्वल सप्लाई जा रहा, उसके वजह से फायरिंग एकदम परफेक्ट है। इसके बाद स्लो फास्ट स्क्रू से अपन क्या करना, शटर को नीचे बिठाना, मीन स्क्रू को लूज करना, शटर नीचे डाउन होते रहता। आप देख सकते फायरिंग बहुत अच्छी तरीके से टहरा हुआ है, जब भी एयर ज़्यादा गया तो भी गाड़ी का फायरिंग सही ऑन नहीं रहता, और एयर कम गए तो भी फायरिंग सही नहीं रहता। अभी इक्वल मिक्सर आ गया, अब देख सकते हैं आप यहाँ जाना रिच फ्यूल कम हो गया और टेम्परेचर आ गया यहाँ तक, मीन ये भी गर्म होते जा रहा मैनिफोल्ड, यहाँ गर्म है अब यहाँ तक ठंडा है। तो ये तरीका है ट्यूनिंग करने का कार्बोरेटर का, और इंजन भी असेंबल हो गया, कुछ साउंड नहीं है, और गाड़ी आई स्पेशली गियर स्लिप करने की वजह से वो गियर का काम हो गया। अभी मैं राउंड मार के देखूँगा गियर्स कैसे पड़ रहे। जैसा कि अब इंजन फिट हो गया, अभी मैं गाड़ी का राउंड मार रहा हूँ, अभी ये मैं देखूँगा गियर्स कैसे पड़ रहे। सेकंड गियर स्किड हो रहा था, मेन स्लिप हो रहा था, अभी मैं राउंड मारने वाला हूँ और देना मार के आगे आपको बोलूँगा गियर्स कैसे। अभी मैं राउंड मार के गेरा बहुत अच्छी तरीके से पड़े, स्मूथ पड़ रहे, पिकअप भी बढ़ गया है, बिकॉज उसका कलच स्पेशल में बदला, और सेकंड गियर स्लिप कुछ भी नहीं हो रहा, बहुत स्मूथ है, और पिकअप भी बढ़ गया बिकॉज कार मिसिंग करे पिस्टन का, और ये ना रिपीट हुआ इंजन, तो बहुत अच्छी तरीके से बन रही गाड़ी, एकदम स्मूथ चल रही है। तो अभी इसके बाद मैं कस्टमर को भी दूंगा, उनसे ट्रायल भी लेने लगेंगे और उनका ओपिनियन भी देखेंगे। आप देख सकते हैं ये कस्टमर है, इनकी गाड़ी है, सुबह से इन्होंने यहीं से। अब साहब आप बोलिए, आप आए क्यों, मतलब क्या काम था गाड़ी में? इसका गियर ऑटोमेटिक सटक रहे थे रनिंग, कौन सा गियर सटक रहा था? सेकंड गियर और थर्ड गियर। ओके, अभी गाड़ी हुआ, आप यहीं से थे सुबह से? सुबह से यहीं। आप देखिए काम कैसा हुआ, अच्छा हुआ। हाँ, तो आप अभी आप राउंड मार के बताइए आपकी गाड़ी के गियर आप कैसे पड़ रहे हैं और गाड़ी में क्या चेंजेस है, राइट? आप जाके आइए। तो आप बोलिए साहब, अब गेरा कैसे पड़ रहे हैं गाड़ी? गेरा तो अच्छे गिर रहे, प्रॉब्लम अभी कुछ भी नहीं, एकदम स्मूथ चल रही गाड़ी। पिकअप कैसा दिखा आपको? तो पिकअप भी अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ गया थोड़ा। जी जी, तो जो स्पेशली आप आए थे गियर्स के लिए, सेकंड गियर आप डाल के लॉन्ग चलाए आप?
लॉन्ग मतलब थोड़ी दूर ही गया मैं, अभी दो जगह ऑलरेडी मैं बनाया था, वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ था मेरा जी, इसके वजह से मैं आपके पास आया ये प्रॉब्लम के लिए। तो आपको बोलेंगे यहाँ कुछ एक्स्ट्रा क्या पड़ गया, जैसा कि गेड्रम नहीं डलाए थे आप, वो चीज़ अभी यहाँ डाले तो उसके अंदर टिक भी आके था, वो भी आपको एक्सप्लेन करे इधर, तो आप देखे ना वो पार्ट क्या क्या गया। ठीक है, तो ये गाड़ी जो यहाँ बनी आपको गारंटी दे रहे मिनिमम 6 मंथ्स की, 1 ईयर तक भी आप चला सकते हैं। मेन गियर में कुछ भी प्रॉब्लम है तो फ्री वर्क ईयर, बट मैं जहाँ तक समझ तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएंगा आपको, आपकी गाड़ी 100% सर्टिफाइड है। मेन यहाँ आर के सर्विसिंग पे मेन एकदम परफेक्ट बनेगा। राइट, थैंक यू, धन्यवाद।